उस दौर से लेके अभी तक जो भोजपुरी सिनेमा के लिए हमेशा आप रहते, कुछ भोजपुरी सिनेमा का अलग हटके मिले? जी तो ये अलग कहानी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अलग कहानी हाथ लग गई हमारे, और बहुत ही विपरीत कहानी। इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग मुझे करना होगा, एक 1.5-2 महीने में फिजिकली मैं बहुत ट्रेन हुआ बाकायदा, यू नो, बिकॉज ये कहानी वैसी है और ये फिल्म बहुत अलग है। तो बहुत लकी रहा कि ये फिल्म हमको मिल गई और हमारा जान लगा दूंगा इस फिल्म के लिए, बिकॉज बहुत किस्मत से अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है और अच्छे प्रोड्यूसर मिलते हैं और ये कॉरपोरेट लेवल पे लोग आए हैं। अजीत साहब साहब मुहूर्त देख रहे हैं, बहुत रेयर ऐसा प्लानिंग होता है कि कोई लोग सीरियसली लें, और हम लोग इसको बहुत, और हम और अंजना मेरे साथ एक बहुत अच्छी कलाकार है, मेरी लकी जोड़ी रही अंजना के साथ, उनके साथ फिल्में मेरी बहुत ही पसंद की जाती है, तो हम दोनों का लव एंगल इसमें बहुत कमाल। तो मैं इस फिल्म में अगर मैं बहुत रूप बदलता हूँ, वो भी अपने प्रेम से बदलता हूँ, तो इनसे प्रेम करता हूँ, उनके प्रेम के चलते मैं एक अलग इंसान लगता हूँ, बहुत अलग कहानी। बाकी मुझे मना किया गया स्क्रिप्ट के बारे में। अंजना जी की बात कीजिए, उनकी पहली फिल्म की शुरुआत आपसे थी और सिनेमा की तीसरे दिन शुरुआत भी आपसे थी। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं एक मेरी ऐसी दोस्त हैं जो मैं इनके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, ये मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, हम दोनों के बीच में मतलब हम लोग कभी कभी परफॉर्मेंस में भी आँखों आँखों से बात कर लेते हैं और लाइन डिलीवर करते हैं। इतना कम्फर्ट स्पेस बहुत रेयर किस्मत से मिलता है कि दो कलाकार अच्छे दोस्त बन जाएँ, और वो हैं, हम लोग अच्छे दोस्त हैं और इनका नाम एक ब्रांड है, इनके नाम से फिल्म को वजन मिलता है, फैंस हैं इनके बहुत बड़े, तो प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा होता है, तो क्यों नहीं है अंजना से? मुझे ऐसा लगता है कि क्यों, वक्त की पाबंद है, टॉर्चर नहीं करती, परेशान नहीं करती, और अपने किरदार में जीती है और मेहनती हैं, क्वाइट, शी इज़ प्रोफेशनल, तो मुझे ये बात अच्छी लगती है अंजना की, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो कि भोजपुरी सिनेमा के अलग सोच और आपके सोच के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं, उनके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग बाराबंकी, लखनऊ, यूपी, हम लोग ये फिल्म को लेके काफ़ी जगहों पे जा रहे हैं, अनटच लोकेशन पे यूपी में हम लोग शूट कर रहे हैं, तो ये मुझे एक्साइटेड जी। अंजना जी क्या कहना चाहेंगे रवि जी के बारे में? रवि जी आप आगे आ जाओ ना, बीच में रहेंगे तो तुम किसे पकड़ेंगे? चलिए रोल भाई, ये फोन उठा के ले लो। डैडी हां रोल राम भाई, बहुत पूरी जरा बहुत पूरी जी थोड़ा काम नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज भी देख चुके हैं किया जा रहा है इसमें से जी? बहुत, एक तो बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, मुझे इतना अच्छा टाइटल मिला सौभाग्य, बड़े किस्मत से बोलते हैं ना, किस्मत से फिल्म मिलती है, किस्मत से टाइटल मिलते हैं, किस्मत से अच्छी फिगर्स मिलते हैं, किस्मत का खेल बहुत बड़ा जीवन में। मैं बहुत लकी हूँ, बहुत अच्छी टीम, अच्छे प्रोड्यूसर्स मिल गए, अच्छे डायरेक्टर मिल गए, और सारे बहुत ऑनेस्ट, सबका गोल है कि एक अच्छा सिनेमा बना, तो एक अच्छी टीम मिल गई, आई एम वेरी लकी, सच अ गुड टीम। अच्छा ये शुभ मुझे लगता है, मुझे इस तरह की फिल्में करनी चाहिए जहाँ पर मैं मैसेज भी अच्छा दूँ और साथ साथ में एंटरटेन भी करूँ, और वो समय अब आ गया। तो कल उठा कसम तिरंगा किया, सन की दरोगा एक पैरी कंगना शुरू हो रही, तो सन की दरोगा लेकिन बहुत ही विपरीत मुझे मिल गई था, और मैं यही मेरे लिए परफॉर्मेंस के लिए बहुत बड़ा टास्क है कि मैं इसको किस तरह डिलीवर करूँ, और बड़ी इंटेंसिटी भी है, जितना ये दिख रहा है टाइटल में ऐसा लगता है मस्ती होगी या शॉर्ट टेम्पर दरोगा होगा, ये कुछ अलग ही है विपरीत, और पोस्टर्स भी जिस हिसाब से बता रहे हैं कहानी, जिस हिसाब से डिज़ाइन है, तो दर्शक और फैंस लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होगा, और किसी फेस्टिवल में एक बहुत अच्छा तोहफा होगा मेरे सारे फैंस और दर्शकों का। फिल्म बहुत विपरीत है, मस्ती है, आनंद है, हीरोइन है, सॉन्ग है, लेकिन साथ साथ में बहुत बड़ा मैसेज भी है, करप्शन जुड़ा हुआ एक पूरा एक विलन गैंग है, तो
किस तरह से एक पावर गेम होता है, किस तरह से अभी वो राम रहीम वाला जो एक इशू बहुत बड़ा बाहर आया, उसी तरह हमारे फिल्म में भी किरदार है जो पहले से लिखा हुआ था कि राम रहीम वाला तो क्या है, लेकिन ऐसा एक किरदार है जो उस तरह से इस्तेमाल करता है लड़कियों को, तो बहुत मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ, मुझे मना किया गया कहानी बना, लेकिन हमारी कहानी में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो आजकल के हेडलाइंस में अखबार भोजपुरी को उठाना है, तो देखो इस लेवल का गाना है, इस तरह के लोगों को गाना होगा, उनको सोच को लाना होगा कि उन चीज़ों से आप थोड़ा सा बाहर आएंगे तो आप इस इंडस्ट्री को उठा पाएंगे। सारी म्यूजिकल इंडस्ट्री उठ चुकी है, भोजपुरी का टेक ऑफ बहुत बढ़िया हुआ था, फिर एकदम ड्रॉप आ गया, भोजपुरी को टेक ऑफ आना है। लड़ाई हमेशा चूँकि मेरी लड़ाई रही है सही अमार से, और आज भी मेरी लड़ाई रही है कि भोजपुरी में हम कैसे ऊँचाई को रहे। मनु महाराज हैं जो पटना के, मुझे मैं बड़ा इम्प्रेस करते हैं, जो एस एस पी, मुझे ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनकी कहानियाँ मैं सुनता हूँ, जिनकी कहानियाँ पढ़ता हूँ, कुछ ऐसे बी सी बी आई ऑफिसर हैं जो राम रहीम पर पिछले 15 साल से हमको ट्रैक कर रहे थे, एक ही ऑफिसर है का नाम फॉरगेटिंग, बड़ी उनसे भी सी बी आई ऑफिसर उनके पीछे पड़े थे और 15 साल तक उन्होंने रिजल्ट लाया, तो ऐसे बहुत सारे सच्चे ऑफिसर्स हैं जिसकी वजह से हमारा कानून बनती है और हमारा देश सिक्योर्ड। हमको उसी को उठा के लाना, उसी को जा कर लाना। मैं फिजिकली हमारे टेंट में चाहते हैं कि मैं बहुत फिट रहूँ और सिक्स पैक नहीं कभी, लेकिन लीन वेस्ट रहे मेरी और मेरे बाइसेप स्ट्रॉन्ग चाहिए, चेस्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए और मैं शेर की तरह दिखाई दूँ, तो ये मेरी अब कोशिश है कि मैं 1.5-2 महीने में अपने शरीर को कैसे बदलूँ। मैं चाहूँगा कि आप स्वयं डायरेक्टर साहब खुद बोलें कि आप तो क्या सोचते हैं। हमारी हिंदुस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रही है वो हमारे मिट्टी और हवा और पानी रहा है जो रीजनल सिनेमा में ही मिलता है। हमें अगर हिंदुस्तान के सिनेमा को आगे बढ़ना है तो वे फॉरवर्ड इज रीजनल सिनेमा, और भोजपुरी सिनेमा का जिस तरह से हम लोगों ने ये वाली फिल्म को डिज़ाइन किया है, जिस तरह से प्रोड्यूसर और रवि साहब ने और उन्होंने सबने इसको जो कंसीव किया है, जिस तरह से इसकी कहानी बनाई गई है, उसके स्केल पे काम इसको एक भी यूनिक। मैं बहुत सालों से जैसे मैंने कहा कि अंदर की कतार के मैं 18 साल की उम्र निकल गया था ये फिल्म, ऐसा लग रहा है कि यही फिल्म बनाने के लिए निकला था और आज मेरा और सपना पूरा हुआ है। ये होता है फिल्म जो है वो बेसिक है, मुसीबत की बात भी होती है और पेशेंस की बात भी होती है, सब्र बहुत ज़रूरी है, आपने कहीं गलत जल्दबाजी में गलत करें उस दौरान मैंने ऐसा किया कि मैं कुछ नहीं किया, इंतजार करता रहा, मैंने काफ़ी एक्ट्स किए, मैंने फिल्म शूट किए, मैंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किए न्यूज़ पर और शॉर्ट फिल्म्स बनाई, तो कुछ ना कुछ मेरा चलता रहा है इस तरह से कि मैं फिल्म जो भी यहाँ तक पहुँचा और थैंक्स टू द प्रोड्यूसर्स दे ट्रस्टेड मी, दे लाइक द वे आई सॉ द लुक एट द फिल्म, जिस तरह से उनकी कहानी थी, कंसेप्ट था उसको, उसमें हम लोगों ने क्या जब थोड़ा सा बात की तो मुझे इसी से इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे रवि साहब ने फेस करी, हम लोगों ने फिल्म जब बनाई सोची थी तब इतनी सारी हेडलाइंस नहीं आई थी जैसे अभी आ गई, इट इज ऑटोमेटिकली बिकम कंटेम्पररी। जी ये तो हम लोग अभी जहाँ की जहाँ भोजपुर में ही करेंगे, उसको यूपी बिहार में ही हम लोग करेंगे, चीफ नहीं करेंगे, चीफ से हम लोग बहुत दूर हैं और वल्गैरिटी से बहुत दूर हैं। ये जो कंसेप्ट है कि नाच अगर ऐसा हो तभी ऑडियंस गाली बजाएगी, ये झूठ है,